एक बारी भूपति मन माही भई गिलानो मोर सुती नाही। विचार करता हूं हमारे जाने के उपरांत अयोध्या के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हमारे पास में ही नहीं है। क्या ये अयोध्या का कनक भवन, अयोध्या का राज भवन खंडर में परिवर्तित हो जाएगा? मैंने अन्यान्य यत्न किए, प्रयत्न किए, अस्तु आज तक हमें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। हृदय में गिलानी सदा रहती है। हमें वो बात भली भांति याद है जब सुरपत सुरेंद्र के दरबार में हमें अपमानित किया गया। संसार जानता है हमारे मित्र 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र हैं। मैं नित उनके दरबार में जाया करता था। एक दिवस की बात, मैं अपने प्रिय मित्र के दरबार में पहुंचा। मित्र ने अपने सम्मान में अपना राज सिंहासन हमें प्रदान किया। कुशल क्षेम जानने के उपरांत जब मैं अयोध्या वापस आने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर जिस दृश्य को देखा वो दृश्य हम आज तक भुला नहीं पाए। मैंने क्या देखा? मैंने देखा जिस सिंहासन पर मैं आसीन था उस सिंहासन को सुरपत सुरेंद्र गंगा जल से पवित्र करवा रही थी। उस पवित्रता का कारण जानना चाहा तो हमारे हृदय में गिलानी हो गई, गिलानी। आज ऐसा आभास होता है जैसे विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा। मेरा जीवन एक कोरे कागज के समान है, ऐसा कागज जिस पे कुछ लिखा ही नहीं गया। मेरा जीवन कोरा का गज कोरा ही रह गया। Yeah.
मंत्री सुमंत के द्वारा हमें उचित मंत्रणा प्रदान की गई। कहा, अपने इस हृदय की गिलानी को जाकर गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में समर्पित करो, आशीर्वाद में आपको अवश्य कुछ प्राप्त होगा। तो हम क्यों ना गुरु सदन को प्रस्थान करें, गुरु चरणों में जाकर गुरु की चरणों की वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हमें विश्वास है अवश्य आशीर्वाद प्राप्त होगा, अवश्य आवास आशीर्वाद प्राप्त होगा। लगन बगलागी लगन बगलागी लगन मोगलागी गुरु चरणन की लगन मोगलागी। पावन चरणों में दशरथ का मन सा वाचा करना प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से अलंकृत भुजाओं में इतना बल कि तुम्हारे भुजाओं के बल का आश्रय या सहारा स्वयं देवराज इंद्र लेते हैं। सुरपत वसह बाहुबल जाके ज्ञानी इतने के ज्ञानियों की सर्वोत्कृष्ट उपाधि पंडित नामक उपाधि से विभूषित अर्थात महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जब तुम्हारे जीवन में इतना ऐश्वर्य है, तुम्हारा जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जब मैंने तुम्हारे मुखारविंद का अवलोकन किया तो मैं ऐसा आभासित हो रहा है कि तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है, चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जबकि तुम्हारा चरित्र तुम्हारा व्यक्तित्व अद्वितीय है। धन्य भाग दशरथ समनाही, अर्थात तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा सौभाग्यशाली प्राणी नहीं, फिर भी तुम्हारे जीवन में ये शून्यता अर्थात ये तुम्हारे मुखमंडल पर तुम्हारा कष्ट अंकित हो रहा है, क्या कारण है हमें अवगत कराओ। गुरुदेव भगवान, मैंने अपने जीवन में एक नहीं दो नहीं तीन तीन विवाह किए, आज तक हमें एक भी पुत्र की प्राप्ति ना हो सकी है नाथ। आज हृदय में गिलानी हो गई कि हमारे जाने के उपरांत अयोध्या के राज महलों में कोई उत्तराधिकारी नहीं है नाथ। कर चुका विवाह तीन फल इसका अब तक मिला नहीं, ये चौथा पन आने को कमल अभी तक खिला नहीं जाओ। ना जान
चित्त प्रफुल्लित हो जाए। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं है, इस कारण तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र, सर्वप्रथम चिंता का परित्याग कर दो, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है और घुन समान लग जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को खा जाती है। तुम ज्ञानी हो, चिंता का परित्याग कर दो। तुम कह रहे हो कि ना जाने कैसा है भविष्य। राजेंद्र, प्राणी को अपने भविष्य की ओर ध्यान देना तो चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 6 वस्तुएं हमारे पिता ब्रह्मा ने अपने हाथ में ले रखी हैं। हान, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधिहात। इसलिए भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर आप कह रहे हैं जिससे वंश चले हम जीना नहीं चाहते हैं, ये जीवन अब जीने में अच्छा नहीं लग रहा है। राजेंद्र, मानव की बड़ी विडंबना है, यदि जीवन में पुत्र ना हो तो प्राणी को जीवन अच्छा नहीं लगता है, भार समान प्रतीत होने लगता है। और यदि पुत्र की जगह कुपुत्र हो जाए तो फिर
पिता अपना माथा पीटने लगता है कि हे विधाता, ये कैसा पुत्र दिया, इससे तो मरना अच्छा है। लेकिन ठीक है, तुम्हारे समीप आए हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तो तुम्हें पुत्रन की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हें पुत्र प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? उसका मूल कारण है, तुम्हारा एक अज्ञात शत्रु है, जिसे संभवतया तुम शायद नहीं जानते हो। उसका युद्ध जब तुम्हारे वंशज महाराज अरण्य से हुआ, उसने महाराज अरण्य का वध कर दिया, तो महाराज अरण्य के कटे हुए शीश ने उसे श्राप दिया कि जाओ, तुमने हमारा अकारण वध किया है। हमारे वंश में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। तो शत्रु ने विधाता से ऐसा वरदान मांग लिया है कि तुम्हारे अंश से कोई पुत्र उत्पन्न ना हो। इसलिए धरो धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भक्त बिहारी, मैं तुम्हें चार पुत्र रत्नों का आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि एक पुत्र से काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तीन और एक चार के युग का है, क्योंकि तुम्हारी तीन पटरानियां हैं, चौथे तुम। इसलिए तुम्हें मैं चार पुत्रों का आशीर्वाद दे रहा हूं, इसके लिए तुम्हें विधा का परिवर्तन करना पड़ेगा। विधा परिवर्तित करनी होगी अवश्य। कौन सी? इसलिए तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराना होगा। इसके लिए महाराज रोमपाद के यहाँ विवांडव ऋषि पुत्र श्रृंगे रहते हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करो, मनोमा तट पर सुंदर यज्ञ वेदी का निर्माण कराओ और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जाओ, किसी स्वयं सेवक को भेजो। जय हो प्रभु।